खबर है मिर्जापुर से। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा शारदीय नवरात्र के दृष्टिगत अष्टभुजा पहाड़ी काली खो अशोक का जायजा लिया गया। बता दें नवरात्र मेला को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था की जा रही है। अष्टभुजा पहाड़ी पर गिरवा तालाब मोतिया तालाब होते हुए महाअष्टभुजा मंदिर परिसर व आसपास लगाई जाने वाली पुलिस बल के ड्यूटी पॉइंटों का भौतिक सत्यापन कर अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, सुनसान जगहों पर पुलिस की ड्यूटी, अन्य स्थानीय दुकानदारों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया आगामी नवरात्रि एक पर्व है जो माँ विंध्यवासिनी माँ काली खो मंदिर अष्टभुजा मंदिर में लगने वाले मेला दूर दराज से देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कोई घटना ना घटे सभी मार्गों को सभी ड्यूटी पॉइंटों को बारीकों से जांच पड़ताल किया गया और आगामी नवरात्रि को सकुशल संपन्न कराने हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं साथ में एडिशनल एसपी सीओसीटी थाना विंध्याचल आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में नवरात्र के अवसर पर जो यहाँ पे शुभ मेला लगना है एवं माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर के जो कार्यक्रम जितने भी आयोजन होने हैं उन्हीं के साथ साथ अष्टभुजा मंदिर और कालीखो मंदिर के प्रांगण में भी भव्य मेला लगने जा रहा है। उसी में पुलिस व्यवस्था की जो तैयारियां है उसी को लेके जो हमारी पूरी टीम है उसके साथ में स्थलीय निरीक्षण मौके पे आके सभी पॉइंट्स को देखा गया है। कहाँ कहाँ ड्यूटी लगानी है, कहाँ कहाँ पे विशेष फोकस रखना है और किन चीज़ों की आवश्यकता है, पब्लिक से भी फीडबैक लिया गया है। जो हमारे दर्शनार्थी हैं उनसे भी वार्ता की गई, जो हमारे मीडिया के साथी हैं बाकी जो पुजारी लोग हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया है और ये इंश्योर कराया जा रहा है कि जनपद मिर्जापुर में नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले सभी मेले एवं सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया जाए, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है और उसी दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं।